शिवल्ली को दूसरी बार खड़ा किया इसके सामने। वेलकम टू यमुना एक्सप्रेस हाईवे। कितना होता है दिल्ली तक? 205। ये भैया थर्ड नंबर टोल है जो कि आता है 122 किलोमीटर में। ये जो प्रॉपर्टी है ना बहुत ही अच्छा है, गुंजन रिसोर्ट। ये बहुत ही अच्छा है, बाहर से जितना अच्छा है ना अंदर से और भी अच्छा है। और ये रिसोर्ट पड़ता है एकदम हाईवे के बगल में और ये जगह का नाम है सिरसागंज। यहाँ से हमें सीधा जाना है दिल्ली साइड। यहाँ से 167 किलोमीटर में यमुना एक्सप्रेसवे मिल जाएगा। आगरा होते हुए हम जाएंगे तो आपको आज ही इस ब्लॉग में यमुना एक्सप्रेसवे का मज़ा दिलवाएंगे भैया। हमें इस रोड पकड़ना है। आज बहुत पहले तैयार हो गए थे निकलने के लिए लेकिन भैया देख रहे हो अभी 9 बज गया लेकिन कितना फॉग जमा हुआ है रोड पे। कुछ देर पहले तो दिखाई नहीं दे रहा था, मैं बहुत देर से वेट कर रहा था, अब थोड़ा सा क्लियर हुआ तो मैं निकल गया। दिल्ली एकदम सीधा जाना है भैया। रोड तो खूबसूरत है ही भैया लेकिन ये सुबह सुबह रोड साइड में जो फ्लावर खिल उठा है ना भाई, क्या बताऊँ। एकदम हाईवे के ऊपर ऐसा फ्लावर रेड कलर का, ये बहुत रेयर सीन है, रेयर सीन। तो भैया सुबह में अभी तक चाय नहीं पिया तो रोड साइड में घूमती देखा चाय का। सुबह सुबह एक चाय बहुत जरूरी होता है कि सुबह सुबह एक चाय नहीं पिया तो राइड का मज़ा नहीं आता भैया। सो एक चाय पी लिया, एनर्जी फुल हो गया और ये रहा मेरा शिवल्ली भैया। हर एक ब्लॉग में तो मैं दिखाता ही हूँ, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट्स कीजिए। यहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे और ज़्यादा दूर नहीं है, 150 किलोमीटर अराउंड है। सीधा यहाँ से आगरा टच करूँगा, आगरा से यमुना एक्सप्रेसवे। थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता जा रहा हूँ कि वो पंछी मत ना नहीं डरे। तो भैया मैं इस साइड से ना आ रहा था तो देखा यहाँ पर देखो खाना डाला हुआ है, ये देखो पंछियों के लिए खाना डाला हुआ है। तो एक भाई साहब यहाँ रुक के ना खाना दे रहे थे और मैं थोड़ा स्पीड में था तो चला आया, फिर पीछे से वापस आया भैया से मिलने के लिए लेकिन भैया यहाँ पर नहीं थे। लेकिन जो भी भैया का नाम हो जो ये काम कर रहे हैं ना बहुत नेक काम कर रहा है, थैंक यू वेरी मच उनको। अगर वो उसके पास मेरा ये ब्लॉग जाए तो मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। कौन सोचता है भाई ये पंछियों के बारे में, देखो खाना डाल के गया है एकदम यहाँ से लंबा करके वहाँ तक। जो कौवा है, जो खुला आसमान में उड़ते हुए पंछी है, ये सारा आके इसका दाना डाले गए हैं। जो भी भैया आप काम कर रहे हो ये थैंक यू वेरी मच, आपको मैं अप्रिशिएट करने के लिए आया था लेकिन आप तो नहीं मिले, थैंक्स अगेन। मैं इनको डराना नहीं चाहता, मुझे बाइक को घुमाना है यहाँ से। ये देखो भैया पूरा खाना दिया है भाई साहब ने। आगरा यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, ओनली 17 किलोमीटर। फाइनली दिल्ली का बोर्ड मिल गया, हमें टर्न लेना है। आगे बड़ा सा बोर्ड है, लेफ्ट साइड में हमें नोएडा और दिल्ली मिल जाएगा। बढ़िया लगता है भाई ये बोर्ड देख के, हमें इस साइड से जाना है। सो फाइनली भैया मैंने यमुना एक्सप्रेस वे टच कर लिया है, आगे जाके बोर्ड है बड़ा करके यमुना एक्सप्रेस हाईवे, वो मैं दिखाऊंगा आपको। तो भैया फाइनली मैं आके पहुंच गया यमुना एक्सप्रेस हाईवे के सामने, अपना बाइक शिवल्ली को दूसरी बार खड़ा किया इसके सामने। वेलकम टू यमुना एक्सप्रेस हाईवे। यहाँ से सीधा हमें जाना है दिल्ली, दिल्ली से पंजाब, पंजाब से जम्मू, जम्मू से कश्मीर। कश्मीर में स्नो में बहुत ही एडवेंचर करेंगे, बहुत ही मस्ती होगा, इसीलिए आपको जुड़े रहना है हमारे साथ, देखना है पूरा सीरीज, मज़ा उठा पाएंगे अब घर बैठे बैठे वर्चुअली। जो नया देख रहे हो मेरा पेज को वो फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब से देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं रोड पे। यमुना एक्सप्रेसवे के एकदम ठीक सामने मेरा घर से हो गया 1250,
1249.9 यानी 1250 किलोमीटर ही मानो, मैं ट्रिप टू को ना ज़ीरो करूँगा। ट्रिप टू मैंने अभी ज़ीरो कर दिया और यहाँ से हम भगाएंगे एंड तक, देखते हैं कितना किलोमीटर होता है इस बोट से एंड तक। एकदम शुरू में ही बोर्ड लगाया गया है, मोबाइल फ़ोन नॉट अलाउड और ड्रिंक करके गाड़ी भगाना नॉट अलाउड भाई, ये तो हमें भी पता है। जो भी हो अलर्ट दिया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे के बोर्ड से एकदम 12 किलोमीटर में ये फास्ट टोल आता है जहाँ पर आपको चार्ज देना पड़ेगा। कितना होता है दिल्ली तक? 205। तो भैया एकदम दिल्ली तक का मैं कटवा लिया पर्ची, जो कि मुझे पड़ा 205 रुपये। फास्ट टोल आता है 12.6 किलोमीटर में और देखते हैं सेकेंड टोल कहाँ पर आता है। अगर आपको खाना बना हो तो थोड़ा रेस्ट लेना, तो यहाँ पर फूड कोर्ट है एक, लेकिन मैं एक बार रुका था भैया, बहुत महंगा है खाना, बहुत महंगा। पीछे ही मैंने सेकेंड टोल क्रॉस किया जो कि 67 किलोमीटर में है, वो बताना भूल गया था, सो अपडेट मैंने दे दिया। और हर एक टोल प्लाजा के बगल में ही एक फूड कोर्ट है। ये भैया थर्ड नंबर टोल है जो कि आता है 122 किलोमीटर में, और यहाँ पर भी मुझे स्लिप देखा, यहाँ पर भी मुझे पर्ची दिखाना पड़ेगा। आगे नहीं है ना ऑटो? तो भैया यमुना एक्सप्रेसवे में दिल्ली के आगे ये तीन टोल ही पड़ता है, और ये पड़ता है 122 किलोमीटर में जो कि आपको बता दिया। अब लेफ्ट साइड में किसी जगह मैं रुकूंगा। सो भैया यमुना एक्सप्रेसवे यहीं पर ख़त्म होता है, जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पर जो बोर्ड है वेलकम का, और यहाँ पर बोर्ड है थैंक यू विजिट अगेन। यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस है एकदम 160 किलोमीटर, और यहाँ से मैं सीधा जाऊँगा, सीधा जाके लेफ्ट साइड जाऊँगा तो नोएडा होते हुए मैं दिल्ली पहुँच जाऊँगा। यहाँ पर आप बोर्ड देख सकते हो, इस साइड जाओगे तो दिल्ली और नोएडा मिलेगा, और इस साइड दिखा रहा है ग्रेटर नोएडा परी चौक। तो अभी थोड़ा गूगल करना है कहाँ से ठीक रहेगा, ये देख के मैं डिसीजन लूँगा। नोएडा का ये वाला गेट ना मुझे सबसे प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है भाई। गूगल ने कहां से लेके जा रहा है भैया? ठीक तो दिखा रहा है। पहले तो सोचा था मैं सोनीपत में रहूंगा, उसके बाद सोचा पानीपत में रह जाता हूँ, तभी देखा भैया अभी भी लाइट बहुत है और एनर्जी भी भर के है, तो सोचा कि अंबाला क्यों नहीं पहुंचा जाए। भैया आज अंबाला रुकने का सोच रहा हूँ, कुछ 6 किलोमीटर में करनाल पहुँच जाऊँगा भाई, और अंबाला 86 किलोमीटर बचा है। सो भैया फाइनली मैं अंबाला आके पहुँच गया, और अभी मुझे एक काम है, अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है एक होटल ढूँढना। तो इसी रोड पे मैं एक बार रुका था इसी जगह,
बहुत सारा होटल है इस जगह।